उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं मेघा ब्रजवाल, राजनीति विज्ञान विभाग से। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है इसके बारे में बताऊँगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व के जो विभिन्न राष्ट्र हैं वो आपस में अपना हित साधने के लिए आपस में सहयोग और संबंध बनाते हैं। तो यह जो सहयोग और संबंध होता है यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीन आवश्यक तत्व होते हैं, शक्ति, राष्ट्रीय हित और संघर्ष। अर्थात जो ये विश्व के तमाम राष्ट्र हैं, देश हैं, ये अपने हित के लिए आपस में क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। संघर्ष किस लिए? शक्ति अर्जित करने के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, अपने देश की भलाई के लिए। तो यही क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बताने के लिए मार्गेंथाउ ने अपनी बुक लिखी थी, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। इन्होंने इस बुक में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष है। यानी कि उनका कहना था कि शक्ति अर्जित करने के लिए ये तमाम देश आपस में क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो इस तरह आपने अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है और शक्ति क्या है इसके बारे में जाना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी अवधारणा में शक्ति की अवधारणा जो है वह क्या है, केंद्रीय तत्व है। शक्ति के बारे में हॉब्स, अरस्तु, मैकियावेली, लास्वेल, इन्होंने अपने विचार रखे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं, राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से तत्व हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको भूगोल। भूगोल से तात्पर्य किसी देश की जलवायु, क्षेत्रफल, स्थलाकृति व उसकी अवस्थिति से है। यानी कि भूगोल उसका जो देश का ढांचा है वो किस तरीके का है, वह किस तरीके से पर्वतों से घिरा हुआ है, उसकी जलवायु किस तरीके है, शीतोष्ण है या उष्ण है। तो इस जो ये जलवायु होती है और उसका क्षेत्रफल का विस्तार किस तरीके का है, यह भी उसके क्या करता है, शक्ति में वृद्धि करता है। साथ ही पड़ोसी देशों जब आक्रमण करते हैं तो यह जो जलवायु होती है, स्थलाकृति होती है, यही क्या करती है, कहीं ना कहीं उस देश को सुरक्षा भी प्रदान करती है। अगर मैं बात करूँ हमारे देश भारत की, तो जो विशाल पर्वत श्रृंखला है हिमालय, तो हिमालय कहीं ना कहीं चीन से भारत की क्या करता है, सुरक्षा करता है। वहीं बात मैं करूँ अमेरिका या रूस, तो ये सभी देश चारों ओर से क्या है, पर्वतों से, महासागरों से क्या है, घिरे हुए हैं। तो ये जो उनका भौगोलिक ढांचा है ये भी क्या है, शक्ति में वृद्धि का एक तत्व है। अब मैं बात करूंगी संसाधन का, जो दूसरा तत्व है। तो संसाधन, जिस देश के पास सबसे ज्यादा संसाधन होता है, कच्चा माल होता है, जहां तेल, कोयले ये ज्यादा मात्रा में होते हैं, वह देश क्या करता है, आर्थिक विकास भी उस देश का क्या होता है, जहाँ संसाधन, वह स्वाभाविक है कि जहाँ पर संसाधन ज़्यादा मात्रा में होगा वह देश क्या होगा, अन्य देशों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा। जैसे मैं अमेरिका की बात करूँ या चीन की बात करूँ, तो ये तमाम जो राष्ट्र हैं वो क्या हैं, शक्तिशाली हैं, विकसित हैं। विकसित होने का जो इनका मुख्य कारण रहा है वो यही है कि यहाँ पर क्या है, संसाधन की प्रचुर मात्रा है। हम आगे बढ़ेंगे आबादी पर। राष्ट्रीय शक्ति के तमाम तत्व हैं, जैसे भूगोल मैंने अभी बताया, भूगोल, संसाधन, आबादी। आबादी जहाँ पर जिस देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी वह उतना ही ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है। अभी चीन और भारत भी ऐसे देश हैं जहाँ पर क्या है, उनकी जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। कुछ देशों की नीतियाँ ऐसी है कि वह चाहते हैं कि उनकी आबादी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि वह क्या हो, शक्तिशाली हो। अब मैं बात करूंगी शासन का गुण। शासन का गुण यहाँ से मेरा इससे मतलब यह है कि जो वहाँ पर सरकार का जो नेतृत्वकर्ता होता है, यहाँ प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो उनका नेतृत्व करने का कौशल किस तरीके का है। क्योंकि अगर वह नेतृत्वकर्ता अच्छा है तो वह देश के संसाधनों का क्या करेगा, उचित प्रयोग करेगा, ताकि उसके जो देश की है वो देश की भलाई हो सके, वहाँ पर रहने वाले लोगों की भलाई हो सके। तो नेतृत्व भी एक क्या है, राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है। अब कूटनीति। कूटनीति से अभिप्राय यह है कि जब कभी
कोई देश किसी देश से अनबन हो जाती है या किसी बात पर विवाद हो जाती है, किसी समझौते को लेकर विवाद हो जाता है, तो उस स्थिति में कूटनीति क्या करती है, उनके बीच अच्छा संबंध बनाने का क्या करती है, काम करती है। तो जिस देश की कूटनीति बहुत अच्छी होगी या अच्छे तरीके से वह कूटनीति का प्रयोग करेंगे, तो वह देश क्या होगा, जो तमाम देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध रख पाएगा और वह शक्तिशाली भी हो पाएगा। अब मैं बात करूंगी राष्ट्रीय मनोबल। राष्ट्रीय मनोबल है कि राष्ट्र के प्रति आपके अंदर जो किस प्रकार की भाव, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, अपने देश के प्रति आत्म बलिदान की भावना होनी चाहिए। देश में किसी भी, चाहे वह आपातकाल की स्थिति हो, किसी तरीके की संकट की स्थिति हो या युद्ध की स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र के जो तमाम नागरिक हैं उनके पास क्या होनी चाहिए, अपने देश का सहयोग करने का उनके अंदर क्या होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए बलिदान करने के लिए, युद्ध में लड़ने के लिए। तो ये भी एक राष्ट्र की शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। नेतृत्व की बात मैं अभी कर चुकी हूँ। नेतृत्वकर्ता जितना अच्छा काम करेगा उतना ही देश क्या होगा, शक्तिशाली होगा। अब मैं बात करूंगी विचारधारा। आप जानते हैं कि शीत युद्ध के समय में दो विचारधाराओं का परस्पर टकराव हुआ था। जो दो विचारधाराएं थे वो कौन सी, एक तो जो पूंजीवादी विचारधारा थी और जो साम्यवादी विचार था, इन दोनों के मध्य क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। तो इस संघर्ष की स्थिति में दोनों राष्ट्र, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों राष्ट्र क्या चाहते थे, अपनी विचारधारा को बढ़ाना चाहते थे। विचारधारा से वो चाहते थे कि यह विचारधारा है वो तमाम विश्व के जितने राष्ट्र हैं वहाँ पर यह विचारधारा फैले और वह क्या हो, ताकतवर बन पाए। तो ये भी क्या है, एक शक्ति का तत्व है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या आधुनिकता के इस युग में इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग करने का जो कारण रहा है वह यह है कि आज तमाम विश्व के जितने भी देश हैं वह टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो पहले यह होता था कि युद्ध जैसे आक्रमण होता था तो उनका कहाँ पर आतंकवादी ने अपना डेरा बनाया है तो ये पता करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और जिससे बहुत सैनिकों की मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसी स्थिति में अगर जब हमें पता नहीं चल पाता था कि उनका, उन्होंने जो अपना डेरा बनाया है वह कहाँ पर बना रखा है। तो आज की स्थिति ऐसी कि इंटेलिजेंस मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में तमाम देश इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वह उनका पता लगा भी पाते हैं और किसी युद्ध की स्थिति को भी क्या करते हैं, आने से रोक लेते हैं। तो इंटेलिजेंस भी आज राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व बनकर उभर रहा है। अभी मैंने बात की राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगी कि राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले तत्व। अब हर कोई राष्ट्र तो शक्तिशाली बनना ही चाहता है, तो क्यों सीमित करने की या क्यों कम करने की आवश्यकता है? तो इसका कारण यह रहा है कि शक्तिशाली बनने की दौड़ में हर देश क्या हो जाता है, हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। कहीं ना कहीं वो जो है मानवीयता के अंदर होती है, जो लोगों के अंदर होती है, वह क्या हो जाती है, खत्म होने के आती है जब उसका क्या होने लगता है, पावर बढ़ने लगती है। तो इसी देश देश का जो देश है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, ऐसा आक्रामक न हो कि वह अन्य देशों को भी हानि पहुँचाए, तो इसीलिए उसको क्या करने की आवश्यकता है, सीमित करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, विश्व जनमत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो बनाए गए हैं, तो इस अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत जो तमाम राष्ट्र हैं उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार किया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि युद्ध की स्थिति में जो लोगों की हानि होती है, जो लोगों की बहुत ज़्यादा जनसंख्या में मृत्यु हो जाती है, लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, तो परमाणु बम जैसे हथियारों का प्रयोग किया जाता है, तो इनका प्रयोग कम करने की उन्होंने क्या की है, स्वीकार्यता मंजूर की है। अब अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, नैतिकता से मतलब यही है कि जो लोगों को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को मानना विश्व के तमाम राष्ट्रों का क्या बन गया है, कर्तव्य बन गया है। अब बात मैं करूंगी विश्व जनमत की। तो कभी कभी तमाम जो देश होते हैं वह कुछ ऐसे नियम कानून लागू कर देते हैं जिससे जिससे बहुत सारे लोग क्या नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वह
आंदोलन करके, बहुत सारे संगठन बना करके क्या करते हैं, विश्व जनमत को लाने का प्रयास करते हैं कि ताकि उसको कम किया जा सके। जैसे जब परमाणु शस्त्रों की जो दौड़ थी वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी शीत युद्ध के दौर में, तो लोगों को काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। आप जानते हैं कि जापान और हिरोशिमा नागासाकी में किस तरह का परमाणु बम जब गिराया गया था, तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी। तो इस तरीके की अमानवीयता को रोकने के लिए विश्व जनमत लाया जाता है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पर्यावरण पर जो प्रदूषण फैल रहा है इसको कम करने के लिए विश्व जनमत लाया जाता है। अब मैं बात करूंगी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ, यूएनओ जिसमें तमाम जो विश्व के राष्ट्र हैं उन वो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या हैं, सदस्य हैं। तो इनके भी उद्देश्य हैं कि उद्देश्य में बहुत सारे नियमों का वर्णन किया गया है। इनका उद्देश्य यही है कि जो विश्व है उनमें शांति की स्थापना की जाए, किया जाएगा, जो शस्त्र की दौड़ लगी हुई है इनको कम किया जाएगा, लोगों के बीच में जो अशांति फैल जाती है युद्ध की स्थिति तो उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में वर्णित है। तो ये जो तमाम देश हैं वह इस चार्टर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या है, वचनबद्ध है। साथ ही निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के द्वारा क्या किया जा रहा है, शस्त्रों की दौड़ को कम से कम करके संधि समझौते के द्वारा जो देशों के बीच में विवाद होते हैं उसकी स्थिति को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए कि जो शक्ति का है वह स्वरूप क्या है, शक्ति का स्वरूप हमेशा क्या है, बदलते रहता है। तो आज कहीं ना कहीं शक्ति का स्वरूप आधुनिक युग में बदल रहा है। आज जो चीन की हम जानते हैं कि चीन की जो नीति थी वह क्या थी, साम्राज्यवादी नीति थी। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, वह नीति उसकी आज भी विद्यमान है, आज भी वह अपने साम्राज्यवादी नीति से पीछे नहीं हटा है। तो कोई देश ऐसे भी हैं जो विस्तारवादी नीति को छोड़कर अब विकासवादी मान्यता उन्होंने स्वीकार कर लिया। वह चाहते हैं कि देश शक्तिशाली के साथ साथ विकसित भी हो, जो देश के आर्थिक स्थिति है वह ज़्यादा बेहतर हो सके, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, वहाँ के जो युवा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो, प्रतिभाशाली बने। तो ऐसा जो प्रयास है वह देश के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही आज लेकिन जो पहले क्या किया जाता था, जो शस्त्र का प्रयोग किया जाता वह बायोलॉजिकल वॉर किया जाता था। आज भी कहीं ना कहीं जो शक्ति का स्वरूप है वह बदल रहा है। लोग जो देश हैं वहाँ बायोलॉजिकल वेपन का भी प्रयोग कर रहे हैं ताकि युद्ध को बहुत कम समय में ही समाप्त कर दिया जाए। बायोलॉजिकल वैसे वॉर जो है वह एक वॉर बहुत बुरा वॉर है कि अभी कोरोना काल में हमने देखा कि जो ये युद्ध की स्थिति जो बन गई थी चीन और भारत के बीच में, वह कहीं ना कहीं उन्होंने उदाहरण दिया कि है एक बायोलॉजिकल वॉर होने की संभावना है। तो देखिए जो शक्ति का जो स्वरूप है वह क्या हो रहा है, अब बदल रहा है। देश विस्तारवादी नीति को छोड़कर विकासवादी नीति को अपना रहे हैं। तो इस तरीके से आज आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है उसके अर्थ को तथा शक्ति के तत्व और उसको सीमित करने वाले तत्वों के बारे में और शक्ति के जो स्वरूप है आज बदल रहा है उसके बारे में आपने जाना। धन्यवाद।